द कास्ट सिस्टम। यदि किसी हिंदू व्यक्ति से जाति व्यवस्था की प्रकृति को समझाने के लिए कहा जाए तो वह ब्रह्मा की कहानी बताना शुरू कर सकता है, चार सिर वाले, चार हाथ वाले देवता जिन्हें ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में पूजा जाता है। ऋग्वेद नामक एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भारतीय समाज का विभाजन ब्रह्मा की चार समूहों की दिव्य अभिव्यक्ति पर आधारित था। याजकों और शिक्षकों को उसके मुंह से, शासकों और योद्धाओं को उसकी भुजाओं से, व्यापारियों और सौदागरों को उसकी जांघों से और श्रमिकों और किसानों को उसके पैरों से निकाला गया था। जाति का क्या मतलब है? आज भी अधिकांश भारतीय भाषाएं दक्षिण एशिया में वंशानुगत सामाजिक संरचनाओं की व्यवस्था के लिए जाति शब्द का उपयोग करती हैं। जब 16वीं शताब्दी के भारत में पुर्तगाली यात्रियों को पहली बार नस्लाधारित सामाजिक स्तरीकरण का सामना करना पड़ा तो उन्होंने जो देखा उसका वर्णन करने के लिए पुर्तगाली शब्द कास्टा, जिसका अर्थ है नस्ल, का उपयोग किया। आज जाति शब्द का प्रयोग न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे विश्व में वंशानुगत समूहों पर आधारित स्तरीकृत समाजों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अन्य लोग भारत की स्तरीकरण प्रणाली की जैविक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस धारणा पर आधारित है कि सभी जीवित चीजों को गुणों का एक विशेष समूह विरासत में मिलता है। कुछ को ज्ञान और बुद्धिमत्ता विरासत में मिलती है, कुछ को गर्व और जुनून मिलता है और अन्य कम भाग्यशाली गुणों से बंधे रहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक किसी की जीवन शैली के सभी पहलुओं, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय और यहाँ तक कि आहार को इन अंतर्निहित गुणों के लिए जिम्मेदार मानते हैं और इस प्रकार जाति व्यवस्था की नींव को समझाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। दक्षिण एशिया की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में एक लंबे समय से प्रचलित सिद्धांत के अनुसार मध्य एशिया से आर्यों ने दक्षिण एशिया पर आक्रमण किया और स्थानीय आबादी को नियंत्रित करने के साधन के रूप में जाति व्यवस्था की शुरुआत की। आर्यों ने समाज में प्रमुख भूमिकाओं को परिभाषित किया, फिर उन्हें लोगों के समूह सौंपे। व्यक्तियों का जन्म उन समूहों में हुआ, काम किया, शादी की, खाना खाया और मर गए। कोई सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। लेकिन 20वीं सदी की विद्वता ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उत्तर से कोई आर्य आक्रमण नहीं हुआ था। वास्तव में कुछ लोग यह भी मानते हैं कि आर्य, यदि वे अस्तित्व में थे, वास्तव में दक्षिण एशिया में उत्पन्न हुए और वहां से यूरोप में फैल गए। भले ही आर्य कौन थे या वे कहां रहते थे, यह आम तौर पर सहमत है कि उन्होंने अकेले ही दक्षिण एशिया की जाति व्यवस्था का निर्माण नहीं किया। इस प्रकार दक्षिण एशिया में जाति व्यवस्था की सटीक उत्पत्ति का निर्धारण करना असंभव है। बहस के बीच केवल एक बात निश्चित है, दक्षिण एशिया की जाति व्यवस्था कई सहस्राब्दियों से चली आ रही है और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक उस पूरे समय के दौरान बहुत कम बदलाव हुआ है। कक्षा के लिए समय। प्राचीन भारत में क्रमबद्ध व्यावसायिक समूहों को वर्ण के रूप में जाना जाता था और वर्णों के भीतर वंशानुगत व्यावसायिक समूहों को जाति के रूप में जाना जाता था। कई लोगों ने तुरंत यह मान लिया है कि निर्दिष्ट सामाजिक समूह और समूहों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले नियम नस्लवादी संस्कृति के अस्तित्व का संकेत देते हैं। लेकिन यह धारणा गलत है। वर्ण जातीय समूह नहीं बल्कि वर्ग हैं। समाज को आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर संगठित करने के लिए चार वर्ण श्रेणियों का निर्माण किया गया। आध्यात्मिक नेताओं और शिक्षकों को ब्राह्मण कहा जाता था, योद्धाओं और कुलीनों को क्षत्रिय कहा जाता था, व्यापारियों और उत्पादकों को वैश्य कहा जाता था, मजदूरों को शूद्र कहा जाता था, अछूत। वर्णों के अतिरिक्त हिंदू धर्म में पांचवां वर्ग भी है। इसमें बहिष्कृत लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने वस्तुतः सभी गंदे काम किए। उन्हें अछूत कहा जाता था क्योंकि वे बीमारी और प्रदूषण से जुड़े दयनीय कार्य करते थे।
जैसे अंत्येष्टि के बाद सफाई करना, सीवेज से निपटना और जानवरों की खाल के साथ काम करना। ब्राह्मणों को पवित्रता का अवतार और अछूतों को प्रदूषण का अवतार माना जाता था। दोनों समूहों के बीच शारीरिक संपर्क पूरी तरह से प्रतिबंधित था। ब्राह्मण इस नियम का इतनी दृढ़ता से पालन करते थे कि यदि किसी अछूत की छाया भी उन पर पड़ती तो वे स्नान करने के लिए बाध्य महसूस करते थे। परंपरा के विरुद्ध संघर्ष। हालांकि जाति व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक ताकत पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जाति भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया है और व्यापक सुधार किए हैं। विशेष रूप से मोहनदास गांधी जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों के प्रयासों से सामाजिक गतिशीलता और अंतरजातीय मेलजोल को रोकने वाले नियमों को ढीला कर दिया गया है। गांधी जी ने अछूतों का नाम हरिजन रखा, जिसका अर्थ है भगवान के लोग। 1949 में अपनाया गया भारतीय संविधान ने अछूतों की मुक्ति और सभी नागरिकों की समानता के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। हाल के वर्षों में अछूत एक राजनीतिक रूप से सक्रिय समूह बन गए हैं और उन्होंने अपने लिए दलित नाम अपना लिया है, जिसका अर्थ है जो टूट गए हैं।